नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो दुनिया भर में अपनी दहशत के लिए जाना जाता है। इसका शासक या कहें कर्ता धर्ता किम जोंग उन है, जो एक बड़ा ही क्रूर और तानाशाही शासक है, जो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता और नॉर्थ कोरिया की करोड़ों की जनता को अपने अधीन रखता है। दोस्तों, यहाँ अगर भारत की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ की सरकारों को संविधान का पालन करना होता है और उसके इतर वह कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर सकते, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ की एक इंच जमीन पर भी वहाँ की सरकार का अधिकार होता है, या यूं कहें सीधे सीधे किम जोंग उनका अधिकार होता है। इस देश के नियम कानून इतने कड़े हैं कि स्वयं किम जोंग की पत्नी तक को इसका पालन सख्ती से करना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे नॉर्थ कोरिया का ये क्रूर शासक कितना भयावह है। दोस्तों, आज हम आपको किम जोंग उन और उसकी पत्नी से जुड़ी ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हैरानी में पड़ जाएंगे और ये सोचेंगे कि शुक्र है आप भारत जैसे देश में रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किम जोंग की पत्नी का नाम री सोल जू है। ये किम जोंग की पहली पत्नी है जिस कारण इन्हें बेहद ही सख्त नियमों का पालन करना होता है। री सोल जू की शादी से पहले की जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन दोस्तों किम जोंग उनकी फैमिली में इस तरह की प्राइवेट लाइफ आम बात है। किम के पिता ने भी अपनी पत्नियों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता लगने दिया था और आज तक उनकी पत्नियों के बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सका है। किम की शादी एक अरेंज मैरिज थी जिसे उसके पिता ने करवाया था। उसके तानाशाही पिता को जब ये एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ी में है, तो उसने जल्दी से किम की शादी करवा दी। किम जोंग उन अपने साथ ज्यादातर दो महिलाओं को लेकर चलता है, जिसमें पहली उसकी पत्नी री सोलजू है, वहीं दूसरी है उसकी बहन किम यो जोंग। अक्सर जब किसी महिला की शादी होती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है, लेकिन री सोलजू को तो किम जोंग उन ने शादी के बाद अपना पूरा नाम ही बदलने को कह दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किम नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की शादी के पहले की जिंदगी के बारे में किसी को तिनके भर की भी खबर लगे। इस प्राइवेसी के चलते ही किम जोंग उन की पत्नी अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाती। वहीं किम के बनाए सख्त नियमों के हिसाब से री सोलजू को अपने पति किम जोंग उन के बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जब भी आप री सोलजू को देखेंगे तो उसे अकेला नहीं पाएंगे, हमेशा उसके साथ किम जोंग उन मौजूद रहता है। दोस्तों, किम जोंग उन के पास ऐसी एक्सपेंसिव चीजें हैं जो अमीर से अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता। जब इतना बड़ा देश ही किसी का हो तो अरबों खरबों की रकम इनके लिए मामूली सी बात है। जब किम किसी दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो उसके साथ दर्जनों बुलेट प्रूफ कार और सैकड़ों बॉडीगार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। एक बार किम वियतनाम के दौरे पर गया था जहाँ उसे वियतनाम की राजधानी हनोई पहुँचना था, तो वहाँ किम जोंग अपने साथ बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल और कई टैंकर अपने सिक्योरिटी के लिए ले गया था। बड़ी बड़ी मशीन गनों से लैस ये गाड़ियाँ हनोई के मिलिया होटल के चक्कर लगा रही थी। इससे पहले वियतनामी आर्मी को इन व्हीकल्स के लिए रास्ता बनाने को कहा गया था। बड़े बड़े टैंकर किम को होटल तक सिर्फ छोड़ने आए थे, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, कई सारी गाड़ियाँ भी थी जिनमें उसके बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। वहीं 12 लोग किम की गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं किम की कुछ महंगी आदतों के बारे में। सबसे पहले, किम जोंग के पास एक प्राइवेट आइलैंड भी है। ये बात दुनिया को तब तक नहीं पता थी जब तक डेनिस रोडमैन ने इसे मीडिया में शेयर नहीं किया। 2013 में जब डेनिस किम से मिलने गए थे तो किम उन्हें अपने प्राइवेट यार्ट में अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले गया था। उस आइलैंड पर जाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही परमिशन दी गई है। उसकी लोकेशन को भी सीक्रेट रखा गया है। डेनिस ने बताया कि जब वो एक हफ्ते के लिए वहां रहने गए थे तो वो जगह किसी 7-स्टार होटल की तरह बड़ी ही लग्जूरियस थी। किम के पास बेशकीमती चीजों का अंबार है जिसे पाना अरबपतियों के लिए भी सपने जैसा है। इसके साथ ही किम अपनी सिक्योरिटी का भी भरपूर ख्याल रखता है, इतना कि उसके टॉयलेट जाने के लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है। किम के पास एक प्राइवेट टॉयलेट भी है जिसे वो अपने विदेशी दौरे पर लेकर जाता है। किम जोंग उन अपने खाने को लेकर बेहद ही शौकीन है। वो महंगी और हाई रेटेड चीजों को ही खाता है, भले ही उसके देश में भुखमरी क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि 2012 से 2015 के बीच किम जोंग उन ने सिर्फ शराब पर 2000 करोड़ रुपए लुटा दिए थे।
दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने पैसे में तो ना जाने कितनी शराब खरीदी जा सकती है। लेकिन एक आर्टिकल की माने तो किम खाना खाते समय 10 बोतल वाइन पी जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि किम को ट्रेन यात्रा बहुत पसंद है और वो अपने ज्यादातर विदेशी दौरे भी ट्रेन से ही करता है। जब किम ट्रेन से ट्रेवल करता है तो वो कुल 3 ट्रेनों से चलता है। एक ट्रेन में वो खुद रहता है, वहीं 2 ट्रेनें उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके पीछे रहती हैं। पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 स्टेशन हैं जिन्हें सिर्फ किम के ट्रेनों के लिए बनाया गया है। इन ट्रेनों में फुल सिक्योरिटी होती है और अंदर से ये ट्रेनें किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लगती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किम जोंग उन के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।